नागपुर शहर में आए दिन नायलॉन मांझे से गले कट रहे हैं। नायलॉन मांझा बंद होने पर भी इसकी कालाबाजारी धड़ल्ले से शुरू है। नायलॉन मांझे की कालाबाजारी बंद करने हेतु घायलों के घरवाले को आर्थिक मदद दिलाने के लिए आज नागपुर युवा कांग्रेस द्वारा वसीम खान के नेतृत्व में आशीनगर जोन में नारेबाजी कर नायलॉन मांझे की चक्री को फूंका गया। हाल ही में उत्तर नागपुर में दो बच्चों का इस खूनी मांझे से गला कटा था, जिसमें एक 10 साल की युवती के गले पर 32 टाके लगे तो वहीं एक 18 साल के युवक के गले पर 16 टाके लगे। नायलॉन मांझे की कालाबाजारी बंद करने हेतु एवं घायलों के घर वालों को आर्थिक मदद दिलाने के लिए आज नागपुर युवक कांग्रेस द्वारा युवा कांग्रेस के नेता वसीम खान के नेतृत्व में आशीनगर जोन में नारेबाजी कर जोन के अंतर्गत आने वाले नायलॉन मांझे की चक्री को आग लगाई गई। इस दौरान वसीम खान ने कहा कि नायलॉन मांझा रोज पकड़ा जाता है, लेकिन इसकी कालाबाजारी धड़ल्ले से अभी भी शुरू है। इनके जोन में क्या है विषय तो बताओ। 5 दिन पहले एक बच्ची का गला कट गया, 26 टाके लगे, 32 टाके लगे। अभी 4 दिन पहले एक लड़के का गला कटा, 16 टाके लगे। हाँ, इस दौरान युवक कांग्रेस के पदाधिकारी सुशांत गणवीर, फिरोज खान, निषाद इंदुरकर, दानिश बाबा, उमेश डाखोरी, पवन चंदपुरकर, जिशान खान आदि उपस्थित थे। इन बीसी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।